हाँ जी हेलो दोस्तों, साढ़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो पंजाब पुलिस का आप ऑनलाइन बैच लेकर आ चुके हैं दोस्तों। मैथ की इस क्लास में तुहानू मैं बहुत ही शानदार टॉपिक करवाने जा रहा हाँ, जिहड़ा तुहाडे सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा, जिदे विचों क्वेश्चन जिहड़ा है 101% आएगा ही आएगा। तुसी सैशन नू जरूर जरूर शेयर करना है, जिन्हें भी तुहाडे ग्रुप्स हैं, जिन्हें भी तुहाडे दोस्त हैं, सब नू ये सैशन शेयर करना है, तो धूम मचा देनी है, अग ला देनी है, ठीक है। जिवें तुसी गाना सुने होना जिहड़ा तक्के चढ़ गया यारां दे पंजाब पुलिस सरदारां दे, उवें जिहड़ा अपनी मैथ्स की क्लास के तक्के चढ़ गया उसका पेपर पास होएगा ही होएगा, मैथ्स विच 100/100 आणगे आणगे, ठीक है। ये कोर्स की की खासियत है, ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा, ये रिकॉर्डेड क्लासेज रहनगियां सारियां दी सारियां, ई बुक्स मिलनगियां, पीडीएफ्स मिलनगे, डाउट सैशन रहेगा, स्पेशल बैच जिहड़ा है लॉन्च किया है पंजाब पुलिस वास्ते, लोगों ने 10,000 फीस रख रखी है, अपनी फीस सिर्फ 1999 रुपये फीस लगेगी, मतलब ना मात्र फीस। तुसी पिज़्ज़ा पार्टी भी करन जाओ तो इस तो ज़्यादा पैसे ला के आ जाते होगे, तो यह तुहाडे जीवन बनाने वास्ते, तुहाडा लाइफ सिक्योर करने वास्ते एक कोर्स है, ठीक है। तो बिल्कुल सोचना नहीं है, तो फटाफट एक कोर्स तुसी परचेज कर सकते हो ऐप तो जाके, या वट्सएप नंबर तुहानू मैं दे देना हाँ 7597500075 ते, ठीक है 7597500075 ते तुसी वट्सएप करके एक कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तुहानू डेमो तो पता ही चल जूगा, अज्ज दी क्लास तो पता ही चल जूगा साडी क्वालिटी की है, किस तरह नाल असीं पढ़ाने हाँ, ठीक है। पहले मैं तुहानू सिलेबस ते लैके जाना हाँ, प्लेलिस्ट है दी बन जाएगी पंजाब, तुसी चैनल दी प्लेलिस्ट विच जाओगे सारी क्लासा तुहानू डे बाय डे उत्थे मिलदियां रहनगियां। पहले मैं तुहानू सिलेबस ओरिएंटेड चलांगे, इस करके पहले मैं तुहानू सिलेबस भी खा देना कि जिहड़ा टॉपिक आपां करन जा रहे हाँ कि वह अपने सिलेबस विच भी है या नहीं है, ठीक है। उसकी गल मैं तुहानू कर लेना, आपां जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हाँ वह है सब तो बेसिक परसेंटेज करन जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज टॉपिक तुहाडे सिलेबस का टॉपिक है, तो इस विचों दो सवाल आणगे ही आणगे, बेशक कॉन्स्टेबल का होवे, बेशक सब इंस्पैक्टर का होवे, ठीक है। दो सवाल तुहाडे आणगे आणगे, तुहानू याद रखना है 20 ते 40 मार्क्स जिहड़े हन ओह तुसी आपदे हत्थां विच लै लेने हन, तुहाडे कोल कोई एक नंबर भी खो ना सके, ठीक है। आओ जी शुरू करते हैं आपां क्लास नूं। हाँ जी, तो पहला सवाल तुहाडे सामने आ चुका है, मैं क्वेश्चन के नाल नाल बेसिक भी तुहानू करांदा जावांगा, एक टाइप के बहुत से क्वेश्चन तुहानू करांदे जावांगे, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन नू पढ़ते हाँ, करन की कोशिश भी करांगे, बहुत आराम नाल बहुत ध्यान नाल आपां चलांगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं रखांगे, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखांगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम, 20% ऑफ सीज इनकम, इफ सम ऑफ देयर इनकम इज रुपीज 7800 दैन बीज इनकम इज। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत कुछ कवर करेगा, तुहाडी रेशो कवर करेगा, परसेंटेज कवर करेगा, मतलब तुहाडे बेसिक्स नू कवर करेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम विच आण दे पूरे पूरे चांस रहिंदे हन, तुसी हैंड ये पीडीएफ जी है क्वेश्चंस की जी पीडीएफ है वो तुसी साडे टैलीग्राम चैनल पर जाके क्वेश्चंस की पीडीएफ ले लेनी है, ये सारे सोल्यूशन तुसी आपदी कॉपी विच नोट कर लेने हैं, फिर वो पीडीएफ नू प्रिंट निकलवा के आपदे कोल रख के उहदी प्रैक्टिस करनी है डे बाय डे, ठीक है। फिर भी इस विच तुहानू कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट राही तुसी डाउट भी पूछ सकते हो। लो जी क्वेश्चन सानू की कहिंदा है, क्वेश्चन कहता है ए दी आमदन का जिहड़ा 10% है, ए दी आमदन का 10%, बी दी आमदन का 15%, तो सी दी आमदन का जिहड़ा 20% है वो इक्वल है, ठीक है, क्लीयर है। हुण तुसी सब तो पहले मेरे को बेसिक सीखोगे, ठीक है, बेसिक सीखोगे, कदे भी तुहाडे कोल आ जाए ना इस टाइप नाल 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो तुहाडे कोल पुछे ए रेशो बी रेशो सी किन्ना होएगा, ए रेशो बी रेशो सी किन्ना होएगा, तुसी की करना है तुसी ए नू छुपा लेना है, तो इन 3 ते 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 4 तो 3 × 4 हो गया 12, ए वैल्यू हो जाएगी ए दी। फिर बी दी निकालनी है तो बी नू छुपा लेना है, बी नू तुसी छुपा लेना है, ठीक है। तो बच के रह गया 2 एंड 4 हो गया 8, तो ए बी दी वैल्यू हो जाएगी 8,
फिर तुम सीधी वैल्यू निकालनी है तो सी नू छुपा लेना है, तो 2 × 3 = 6, ए हो जाएगी सी की वैल्यू 6। 2 की टेबल से कटेगा ए बन जाएगा 6, ए बन जाएगा 4, ए बन जाएगा 3, 6:4:3। ठीक है, की बन जाएगा थोड़े को 6:4:3 बन जाएगा। एनी गल आई होप क्लीयर हो जाएगी। एक होर तुम कमेंट राही दसोगे, ठीक है, थोड़े को आ गया 3a = 4b = 5c। तो थोड़े को पूछेगा a:b:c कितना होएगा, तो तुम बहुत ध्यान नाल बहुत आराम नाल कमेंट करके दसना है कि a:b:c कितना होएगा। ठीक है, ये गल तुसी मैनू दसनी है कमेंट राही। ओके, हुण एक मैथड होर सीखांगे, एदा एक मैथड आपां होर सीखांगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नाल बिल्कुल आराम नाल आपां पूरा कोर्स करांगे यूट्यूब ते। बस तुसी सैशन नू लाइक करना है, शेयर करना है, ते आपदे दोस्तां नू दसना है कि इस चैनल ते पूरी तैयारी यूट्यूब ते भी करवाई जा रही है, ते बिल्कुल नोमिनल चार्जेस दे विच पूरा कोर्स भी कराया जा रहा है। ठीक है, बस तुहाडा काम इन्ना की है, बाकी साडी जिम्मेवारी साडी। दूजा जिहड़ा मैथड है बेसिक मैथड, वह मैं तुहानूं दसण जा रहा हाँ कि मान लो तुहानूं मिलिया 2a = 3b = 4c। ठीक है, हुण की करना है आपां 2, 3 and 4 का LCM ले लेना है, लोएसट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त्य। 2, 3 ते 4 LCM की होंदा है, LCM लोएसट कॉमन मल्टीपल, छोटे तो छोटा अजिहा नंबर जिहड़ा 2, 3 ते 4 नाल पूरा पूरा डिवाइड हुंदा है, 2, 3, 4 नाल पूरा पूरा डिवाइड हुंदा है, वह है 12, 12। उस 12 का की करना है तुसी, उस 12 का की करना है, उस 12 का आपां की करना है जी, ध्यान रखियो, उस 12 का की करना है, LCM ऑफ 2, 3, 4 ले लिया, उस 12 नाल आपां इन तिन्नां नूं डिवाइड कर देना है, उस 12 नाल आपां इन तिन्नां नूं की कर लेना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, 2 नाल 12 नूं डिवाइड किया 6, 3 नाल 12 नूं डिवाइड किया 4, 4 नूं 12 नाल डिवाइड किया 3, 6:4:3 अपना आंसर की आ जाएगा, 6:4:3 जड़ा है अपना बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा 6:4:3, 6:4:3 जड़ा है अपना बिल्कुल। ये तुहाड़ा क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाड़ा होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन नू तुसी कमेंट राही आंसर दसना है कि a:b:c किन्ना होएगा। ठीक है, हुण मैं तुहानू वापिस क्वेश्चन ते लैके चलदा हाँ कि ए दा 10%, बी दा 15% ते सी दा 20% बराबर है, परसेंटेज नाल परसेंटेज कट दो, 5 दे पाड़े नाल कट दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। ए हो गया 2a = 3b = 4c। ठीक है, वही गल बन गई, 2, 3, 4 दा आंसर की आंदा 6, 4, 3, आंसर क्या आएगा 6, 6, 4, 3। ठीक है, ये बन गया अपने को a:b:c बन गया 6, 4, 3। हुण कहिंदा 7800 रुपये वंडने हैं इन तिन्नां विच वंडने हैं, तो b दी आमदन दसनी है तुहानू, किस दी आमदन दसनी है, b दी। देखो हुण पैसे कितना वंडदे हैं, ये हो गया 6 ते 4 = 10, 10 ते 3 = 13, 13 यूनिट की वैल्यू होगी 7800, 7800, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 600, 13 × 6 = 78, 13 ना डिवाइड कर दो, बी की वैल्यू पूछी है, 4 की पूछी है, मतलब बी की वैल्यू पूछी है तो 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 600 = 2400 रुपये अपना की आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 2400 रुपये अपना की आ जाएगा आंसर आ गया। मैं पूरा क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हाँ, बिल्कुल ध्यान नाल समझना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जिहड़े बच्चे बिल्कुल बेसिक तो पहली बारी मैथ सीख रहे हैं या बहुत एडवांस लैवल से भी सीख चुके हैं, वो जिहड़े बच्चे बिगिनर सन उन्हां दा तां फायदा है ही है, वो बच्चे तो आपकी बस कॉपी पेन लैके आपके नोट्स बनाओ। ठीक है, जिहड़े बच्चे हैं कि जिन्होंने लगता है सानू मैथ्स आती है, सानू सिर्फ रिविजन की जरूरत है, तो उस बच्चों ने की करना है, इसकी स्पीड कर लेनी है डबल। ठीक है, पहले जैवें ही तुहाडे सामने क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन नू वीडियो नू कर देना पोज, आपदे हिसाब नाल सवाल का हल कढ लेना है, तो फिर अगे कढ के वीडियो नू अगे टपा के है ना फॉरवर्ड करके, तो तुसी आपदा आंसर मैच कर लेना है कि साडा आंसर ते सर जी दा आंसर सेम आया है, तो बस तुहाडे वास्ते एवें पढ़ना है। बिगिनर्स ने एक एक गल सुननी है,
बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, एक एक चीज़ नोट करनी है। जिहड़े बच्चे जिन्हां नूं लगता है सानू मैथ्स आंदी है, सानू रिवाइज़ की लोड़ है, थोड़ी जी दिशा की लोड़ है, डायरेक्शन की लोड़ है, उन्होंने सवाल का सोल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद ट्राई करना है। यदि ट्राई करन ते हो रहा है, आंसर दोनों का मैच कर रहा है, तो फिर अगला क्वेश्चन, नहीं तो फिर तुसी आपका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, हुण देखो की होया सी, पहले अपने कोल ए दा 10%, बी दा 15% ते सी दा 20% साडे कोल इक्वल सीगा। ठीक है, इक्वल सीगा। ठीक है, हुण इह की कह रहा है, परसेंटेज नाल परसेंटेज कट गई, 5 2 10, 5 3 15 ते 5 4 20। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। a दी वैल्यू 12 नाल डिवाइड करता, इसनों भी 12 नाल डिवाइड करता, इसनों भी 2 3 ते 4 दा एलसीएम ले गए। देखो इस तरीके नाल 6 4 3, या इस तरीके नाल, दो तरीके तुहानू मैं दसे है रेशो कढ़न दे, ए बी सी दा रेशो कढ़न दे, मैं तुहानू दो तरीके दसे है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6:4:3, 13 की वैल्यू आ गई 7800, 1 की वैल्यू आ गई 600, तो 20 की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल 2400। 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 रुपए जी है वो तुहाडे कोल 20 की वैल्यू आ चुकी है। आई होप तुसी समझ गए होगे, कोई दिक्कत या परेशानी वाली गल नहीं होएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ते मूव करते हैं जी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सानू की कहता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही वधिया ते बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन नू करके, तुहानू मज़ा आ जाएगा फुल। बस तुसी कंसंट्रेट पूरा करना है, कंसंट्रेट पूरा करना है, इस गल का ध्यान रखना है, कंसंट्रेट पूरा करना है। फोंट हल्के जे छोटे हैं, कोई नहीं, अगली वीडियो तो आपां फोंट थोड़े वड्डे कर दांगे। ठीक है, If a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to, जेकर कोई संख्या x दूजी संख्या y तो 10% घट है अते y जेड़ा है वो 125 तो 10% वध है, तो x किस दे बराबर है। बहुत ही वधिया, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो कहता है x दूजी संख्या y तो 10% घट है, y जेड़ा है 125 तो 10% वध है। देखो वाई दे बारे दस्या होया कि वाई एक अजिहा नंबर है जिहड़ा 125 तो भी 10% वध है, मतलब 125 का 10% कट के उस तो भी वध है, तो 125 का 10% कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, हुण एक गल नोट करनी है, तुसी किसी भी नंबर का, एनी नंबर, किसी भी नंबर का तुसी 10% फाइंड करना है। नोट करो, बहुत ही शानदार गल दसन जा रहा तुहानू, कोई भी नंबर जिसका तुसी 10% फाइंड करना है, एनी नंबर, कोई भी नंबर आ जाए इस दुनिया का जिसका तुसी 10% फाइंड करना है, तुसी की करना है, जिन्हें भी डिजिट होंगे राइट साइड तो एक डिजिट छड़ के, राइट साइड तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए जिसका 10% कटना है, तो तुसी राइट साइड तो एक नंबर छड़ के पॉइंट लगा देना है। की कहना चाह रहे हैं, नोट करियो बहुत ध्यान नाल, बहुत मज़ेदार तरीके नाल पढ़ावांगे, टेंशन ना लो तुसी, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपानू एक एक चीज़ नू बिल्कुल क्लीयर करते हुए चलांगे, बेशक सवाल कट हो जाण। ठीक है, देखो धीरे दा अल्टरनेट है, किसी बच्चे नू लग रहा होएगा कि धीरे पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे नू लग रहा होगा बहुत वधिया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो दोनों दे की होएगा, दोनों दी IQ दा फर्क होएगा। ठीक है, तो तुसी की करना है, जिसनू लगता है धीरे पढ़ा रहे हैं तो स्पीड डबल करके पढ़ सकता है, जिसनों लगता है बहुत वधिया पढ़ा रहे हैं, मैं बिगिनर हाँ, मैनू अजे सीखण की लोड़ है, तो तुहानू एक एक स्टैप देखना पेगा, नोट करना पेगा। ठीक है, इस लाइन का की मतलब है, राइट साइड तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। मान लो कि मैं तुहानू कहा कि 125 का 10% की होएगा, तो तुसी कहना है 125 राइट साइड तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 12.5। मान लो मैं तुहानू कहा कि 1300 का 10% किन्ना होएगा, 10% ऑफ 1300, तो यह हो गया 1300 का एक राइट साइड तो एक डिजिट छड़ के पॉइंट लगा दो।
मैं तुहानू कहा कि 1444 का 10% किन्ना होएगा, तो तुसी कहना है 144.4। राइट साइड तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। मान लो मैं तुहानू कहां कि 5730 का 10% कढ़ना है, तो तुसी की करना है 573 इसका आंसर लगा देना है। ठीक है, तो तुहानू कहंदा सी 125 तो 10% वध है, तो 125 का 10% किन्ना होया 12.5। 125 तो मेरे नाल नाल बोलोगे 125 तो 10% वध है, की बोलोगे 125 तो 10%, जिथे बैठे हो जिदा बैठे हो मेरे नाल नाल बोलना है 125 तो 10% वध है। 125 का 10% 12.5, 12.5 ये ऐड करते तो आ जाएगा 137.5, 137.5 तक ही आ जाएगा 137.5। एक इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई वाई की। जेकर संख्या एक्स दूजी संख्या वाई तो 10% घट है, हुण की कह रहा है जेड़ा एक्स है वह वाई तो 10% घट है। हुण मैं तुहानू की सिखिया सी, आपां फिर की करांगे 137 दा 10% कढ़ांगे, 137 दा 10% राइट साइड तो एक अंक छड्डांगे तो पॉइंट लगा देवांगे। राइट साइड हुण राइट साइड दा एक अंक, इत्थे दा एक अंक दे बाद दा पॉइंट है ही, हुण इसका 10% छड़ना है तो एक पॉइंट और अगे खिसका देंगे, एक पॉइंट होर अगे खिसका देंगे। ठीक है, आ जाएगा 13.75, तो 137.5 के 13.75 जड़ा है वह माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्स कहता है, एक्स की कहता है मेरे नाल नाल बोलोगे, एक्स कहता है मैं वाई तो 10% घट हाँ, वाई तो 10% घट हाँ, मतलब कहता है जिन्ना भी वाई है, जिन्ना भी वाई है उस तो 10% काटा मैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका 10%, 10% कट कर दो तो आ जाएगा 123.75। डी जेड़ा है वो तुहाडा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, डी जेड़ा है वो तुहाडा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखो जेकर तुहानू क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो नू लाइक जरूर जरूर करना है, सैशन नू शेयर इस तरह करना है कि मज़ा आ जाए, पूरे पंजाब विच अग लग जाए कि इन्ना सस्ता कोर्स ते एनी क्वालिटी वाला कोर्स पूरे पंजाब विच तुहानू कित्थे नहीं मिलेगा। इस गल नू तुसी अज नोट कर लो, बेशक पेपर तो बाद नोट कर लियो। ठीक है, ये क्वालिटी जिहड़ी है तुहानू कित्थे नहीं मिलेगी पूरे पंजाब विच। ठीक है, ठीक है जी, अगे वधीए थोड़ा जिहा। श्योर जी, नैक्सट क्वेश्चन की कहिंदा है आपां नू, नोट करते जायो भी, नोट्स बनाते जायो बहुत शानदार तरीके नाल। ठीक है, बहुत बेसिक जिहा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक जिहा क्वेश्चन है, वीडियो नू पॉज करो ते आपे करन दी कोशिश करो, वीडियो नू पॉज करो ते आपे करन दी कोशिश करो। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। कहिंदा है जेकर किसी स्कूल विच 60% विद्यार्थी लड़के हन अते लड़कियां दी गिनती 972 है तो स्कूल विच किन्ने लड़के हन, स्कूल विच किन्ने लड़के हन। ठीक है, जेकर किसी स्कूल विच 60% विद्यार्थी लड़के हन, बॉयज़ किन्ने दे रखे हन आपां नूं 60%, यदि बॉयज़ 60% हन ता गर्ल्स हन अपने कोल 40%। मेरे नाल नाल बोलते रहो, यदि बॉयज 60% हन ता गर्ल्स 40% हन, है ना, यदि बॉयज 60% हन ता गर्ल्स 40% हन, बॉयज 60% हन ता गर्ल्स 40% हन। अच्छा, एक और मैं गल तुहानू दसनी भुल गया कि अपना ऑफलाइन बैच भी तुहानू मिल जाएगा, ऑफलाइन बैच भी मिल जाएगा श्री गंगानगर विच, जेड़े भी पंजाब दे आस पास दे बच्चे हन जेड़े श्री गंगानगर पहुँच सकते हैं, तो तुहानू पता ही है कि ब्रदर्स एजुकेशन हब श्री गंगानगर दे विच अपने बिल्कुल बस स्टैंड दे नाल, अपने गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज दे बिल्कुल सामने अपना कोचिंग सेंटर है, तुसी ऑफलाइन कोर्स भी लै सकते हो। जेड़े आस पास दे हन वह तो ऑफलाइन वास्ते आन, जेड़े थोड़े जे दूर दराज दे हन उन्हानू आन दी कोई लोड़ नहीं है, वह सिर्फ ऑनलाइन च बैठ के मजे लो, एथे आ के खर्चा करन दा कोई लोड़ नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन दी फीस भी बहुत ज़्यादा है, एथे आ के रहन दा खर्चा भी बहुत लगेगा। ठीक है, यदि तुसी ऑनलाइन पढ़ सकते हो लाइब्रेरी च बैठ के या आपदे घर बैठ के, तो ना मात्र दी फीस विच तुहानू पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी
सॉरी जी, कहता है जेकर किसी स्कूल भी 60% विद्यार्थी लड़के हैं अते लड़कियां की गिनती 972 है, साढ़े हिसाब नाल तो लड़कियां की गिनती 40% है, साढ़े हिसाब नाल तो लड़कियां की गिनती है 40%, 40% की वैल्यू दे रखी है सानू 972, तो स्कूल विच किन्ने लड़के हैं, मतलब 60% की वैल्यू साढ़े को पूछी है, 972 बटा 40% की वैल्यू दे रखी है, 60% की वैल्यू साढ़े को पूछी है जी। ठीक है, 20 की टेबल नाल कट रहे हैं 2, 20 की टेबल नाल कट रहे हैं 3, ठीक है, 2 की टेबल नाल कटते हैं 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12, ठीक है जी, 3 6 18, 3 6 जा 18, कैरी बच गई 1, 3 8 24 तक 25, कैरी बच गई 2, 3 चौके 12, 12 ते 2 14, 1458, 1458 तो आंसर आ जाएगा, 1458 लड़के हैं ते 972 जिहड़ियां हैं वो लड़कियां हैं। ठीक है, 40% लड़कियां ते 60% जिहड़े लड़के हैं। ठीक है जी, नोट करते जाओ आराम नाल, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लै सकते हो तुसी क्वेश्चन दा, कोई टेंशन वाली गल नहीं है, नोट्स बनाते जाओ पूरे, तो ये सारी PDF तुहानू डिस्क्रिप्शन विच टैलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, तो उतों तुसी ये PDF लै सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, तो पढ़ते रहो, है ना। कोई भी किसी भी प्रकार का सुजैशन होवे, किसी भी प्रकार की शिकायत होवे, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होवे, किसी भी प्रकार का कमेंट होवे, तो तुसी कमेंट बॉक्स में छड़ दिओ, उहदे ते पूरी कार्यवाही की जाएगी, उन्हों पूरा सुधारिया जाएगा, अच्छा लगे तो एप्रीशिएशन कर दिओ। ठीक है, लाइक करना नहीं भुलना है, शेयर तो करना ही करना, कुछ मर्जी हो जाए, एक एक दोस्त नूं तुसी भेजना है, तुहाडी जिम्मेवारी है, इस तो असी तुहाडे वास्ते इन्नी मेहनत करांगे, इन्नी मेहनत करांगे, तुहाडा पेपर पास करके ही दिखावांगे। ठीक है, बस तुहाडा काम है तुसी इस वीडियो नूं एक एक बच्चे तक पहुँचाना है, इस गल का ध्यान रखना है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की कहता है जी, अगला सवाल बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सवाल, एक तो एक चढ़ता आएगा, सवाल एक तो एक चढ़ता आएगा, जिहड़ा तक्के चढ़ गया यारां दे पंजाब पुलिस सरदारां दे। ठीक है, वट परसेंटेज ऑफ द होल वीक डज अजय स्पेंड इन ऑफिस इफ हिज ऑफिस आवर्स आर 9 AM to 5 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अजय जिहड़ा है पूरे हफ्ते का किन्ना प्रतिशत दफ्तर विच बिताउंदा है, जेकर उसते दफ्तर का समय मंडे तो शुक्रवार तक सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक है, मंडे तो, ठीक है, सोमवार तो, मंडे तो, ठीक है, मंडे तो शुक्रवार तक सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक, सब तो पहले तो मैं लिखूंगा सवेरे 9 बजे तो लैके ते शामी 5 बजे तक दी यदि मैं गल करा तो हे हो गए जी अपने कोल 8 घंटे हो गए, पर डे 8 घंटे वो जिहड़ा है ऑफिस विच जांदा है, ते मंडे टू फ्राइडे दी गल करां तो दिन हो गए 5 डेज, मतलब एक दिन विच 8 घंटे, 5 दिनां विच 40 घंटे जिहड़े है वो स्पेंड करता है, स्पेंड टाइम की आ जाएगा अपने कोल, स्पेंड टाइम आ जाएगा जी अपने कोल 8 घंटे, 5 दिन के हिसाब नाल 40 घंटे वो आपदे ऑफिस विच यूज करता है या स्पेंड करता है। उसने पूछा है परसेंटेज विच, पूछा है किन्ने परसेंट यूज करता है, परसेंटेज चेक कर लांगे कि टोटल किन्ना है, है ना, एक हफ्ते दे विच टोटल किन्ने घंटे होंदे हन, ओ स्पेंड किन्ने करता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है जी, 40 घंटे वो स्पेंड करता है, टोटल हो गया जी तुहाडे कोल 40 घंटे हो गए, टोटल हो गया जी तुहाडे कोल 7 दिन हो गए, 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे होंदे हन, प्रतिशत गुना 100, है ना, पूरे हफ्ते विच तां 7 दिन होंदे हैं ना। उसने पूछा है वट परसेंटेज ऑफ द होल वीक, होल वीक किन्ना हो जाएगा, होल वीक किन्ना हो जाएगा जी, होल वीक हो जाएगा जी तुहाडे कोल, होल वीक हो जाएगा 24 into 7 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे, 7 दिन में 24 × 7 घंटे। ठीक है, ये टोटल घंटे हैं एक हफ्ते दे, ये टोटल घंटे हैं, इन्हों 40 घंटे तुसी भी इदा ही नौकरी करनी है।
ठीक है, 24/7 होंदा है 168। 168 दे विच्चों सिर्फ 40 घंटे जाओगे तो तुहानू पूरे हफ्ते की सैलरी मिलेगी। ठीक है, हुण इसकी कैलकुलेशन कर लाँगे बिना डरे बेझिझक। 168 का हो गया तुहाडे कोल 20+% हो गया, 20+% ए रहा 23.81, लगभग 20 तो 25 दे विच्चे विच्चे आ जाएगा, 20 तो 25 दे विच्चे विच्चे परसेंटेज जिहड़ी है तुहाडा आंसर आ जाएगा। इसनू 4 दी टेबल नाल यदि आपां कट्टीए, 4 6 जा 4 6 24, 4 2 40। ठीक है, ये हो गया 1000/42, ये किन्ना हो गया अपने कोल 1000/42, 1000/42। जब इसनू सोल्व करोगे तो आ जाएगा 23.81%, किन्ना आ जाएगा 23.81% जड़ा है वो तुहाडा बिल्कुल करैक्ट ते फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आराम नाल, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस बच्चे नू जल्दबाजी है उसका अल्टरनेट यूट्यूब ने दे रख्या है, ठीक है, उसका अल्टरनेट एप्लीकेशन ने दे रख्या है। की करोगे तुसी फॉरवर्ड करके डबल स्पीड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, सारी चीज़ां तुहाडे कोल है। ठीक है, पर जिहड़े लोग बिगनर्स हैं, जिहड़े पहली बार कर रहे हैं सारी चीज़ां, उन्हां नू एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ठीक है, एक बार फिर मैं तुहानू दसदा, की दसोगे सर, एक बार फिर मैं तुहानू दसदा जी, कित्थे मिलेगा आपां नू पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस आपां नू मिलेगी जी, जिहड़ा तक्के चढ़ गया यारां दे, पंजाब पुलिस सरदारां दे, दिखाई नहीं रहा इहदा आपां नू टेंटेटिव डेट्स, इहदे विच तां नहीं है पंजाब पुलिस, गायब ही हो गया पंजाब पुलिस तां। अच्छा ठीक है, एक स्टेप अगे चल रहे थे आप, ये तो पंजाब एडियो है, पंजाब एडियो की भी कोई तैयारी करता हो तो दस दौ जी, ए रहा पंजाब पुलिस, अपना पंजाब पुलिस विच ए रहा अपना बैच, आ जा भी। ठीक है जी सरदार जी, स्पेशल बैच है पंजाब पुलिस का, कोर्स ऑनलाइन रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेज रहनगियां, ऐप का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर 7597500075 है, ई बुक्स मिलनगियां, PDF मिलेंगे, डाउट क्लासेज मिलनगियां, कोर्स की फीस मात्र रहेगी 999 रुपये, पूरा कोर्स करवावांगे पूरा कोर्स। ठीक है, लो जी वापिस चलिए आप आपकी क्लास से, चलो जी। हाँ जी, आप नैक्सट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी, अगला सवाल अपने सामने है, बहुत ध्यान नाल करना है इसनू। ठीक है, तो अपने को स्टूडियो जिहड़ा है इन्ने टाइम वास्ते ही सीगा, तो अपना अज का लास्ट सवाल रहेगा, बाकी आप क्लासा डेली आंदियां रहनगियां, वड्डियां तो वड्डियां, छोटियां तो छोटियां, जिन्ना टाइम मिलेगा ज़्यादा तो ज़्यादा क्लासेज अपलोड करांगे। ठीक है, क्वेश्चन नू बिल्कुल ध्यान नाल देखना है, पहले वीडियो नू पोज कर दो, ठीक है, आपदे आप नाल खुद नाल चेक करो तुहानू ये क्वेश्चन आंदा है या नहीं आंदा, आंदा है तो बहुत वधिया गल है, नहीं आंदा तो वीडियो चला के तुसी देख सकते हो। ठीक है, कहिंदा द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 8:12, इफ 50% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज, वट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग, ध्यान रखियो हु आर नॉट गेटिंग पूछा, हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप। स्कूल विच लड़कियां अते लड़कियां दा जिहड़ा संख्या दा अनुपात है वह है 8:12। जेकर 50% लड़के ते 25% लड़कियां नू अपनी पढ़ाई लई वजीफा मिल रहा है तो स्कूल विच विद्यार्थियों की प्रतिशत किन्नी है जिन्हां नू कोई वजीफा नहीं मिल रहा है, जिन्हां नू कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। देखो जी, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार सवाल है। सब तो पहले तुसी लिखोगे बॉयज़ का रेशो की है 8, ठीक है, गर्ल्स का रेशो की है जी 12, बॉयज़ का गर्ल्स का रेशो आ गया। इन्हों बस आप हूँ देखना है
कि किन्ने बच्चे हैं जिन्हों स्कॉलरशिप मिल रही है, पर उसने पूछा है किन्हों स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आप गल करांगे नहीं मिल रही है, आपां कहिंदा 50% मुंडियां नू स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मैं कहूँगा 50% नू नहीं मिल रही है, सही है। 25% कुड़ियां नू स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 75% कुड़ियां नू स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, क्योंकि उसने अपने को पूछा कि है नहीं मिल रही है। आपां नहीं तो ही काम करते हैं, 50 नू मिल रही है तो 50 नू नहीं मिल रही, 25 नू मिल रही है तो 75 नू नहीं मिल रही, ठीक है जी। हुण 8 दा 50% कट देंगे, 50% ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। 8 दा 50%, 50% का मतलब होंदा किसी भी नंबर का अद्धा करना, 50% का मतलब की होंदा किसी भी नंबर का हाफ करना। 50% ऑफ 8, 50% ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 8 दा 50%, 8 दा 50% किन्ना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 बच्चों नू स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। ये हो जाएगा 75%, 75% का मतलब हो गया 3/4, ठीक है। 12 दा 75%, 12 दा 75%, 3/4, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब 9 बच्चों स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। 4 ते 9, 13 बच्चों स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है आउट ऑफ 20। सर 20 कितों आ गया, सबनों पता है बॉयज़ 8 सी, गर्ल्स 12 सी, मतलब टोटल हो गया 20। 13 स्टूडेंट्स नू आउट ऑफ 20 विच्चों स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। उसने परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है तो 100 नाल की कर दो, तुसी मल्टीप्लाई कर दो, 25 जा 13 5 जा 65% स्टूडेंट अजिहे हैं जिन्हां नू स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। सब तो पहले देखो मुंडे दे दिए तो कुड़ियाँ भी देतियाँ, मुंडे दसते इन्ने हैं, कुड़ियां दसदियां इन्नियां हैं, ठीक है। मुंडे दसते कुड़ियां दसते, फिर कहता कि इन्ने परसेंट बच्चों नू स्कॉलरशिप मिलती है, फिर पूछता कि है जिन्हां नू नहीं मिलती है। 25% जवाकों नू मिलती है तो 75 नू नहीं मिलती है, 50% नू मिलती है तो 50% नू नहीं मिलती है, बस। तो ये अपना आंसर आ गया, ऐसे स्टूडेंट आप फाइंड कर ले जिन्हां नू नहीं मिलती है। आउट ऑफ 20 13 बच्चों नू 20 विच्चों स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, 20 100% की वैल्यू कढ़नी है तो 100 नाल मल्टीप्लाई करता तो 65% अपना आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास विच इन्ना ही करांगे, अपने को स्टूडियो का टाइम लिमिट है, ठीक है, कोई गल नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका ख्याल रखियो, डेली क्लासेज आदि रहनगियाँ, दबा के शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई भी तुहाडे सुजैशन है, कोई भी तुहाडे कॉम्प्लीमेंट है, तुसी आपदे कमेंट राही दे सकते हो। कोर्स लेना होए तां तुहानू नंबर देता है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन विच है, वट्सएप ते भी तुसी आपदा मैसेज छोड़ सकते हो। एज ए जिहड़ा नोट्स हैं और तुसी टैलीग्राम डिस्क्रिप्शन विच है ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हसदे रहो, मुस्कुराते रहो, आपदा ख्याल रखियो।